का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। मांडवी समेत गुजरात के तमाम इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो ये तूफान काफी शक्ति पहले से करवा लिया गया है। करीबन 94,000 लोगों को, 94,000 लोग जो हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा जो है इवैक्यूएशन किया गया है, और इसीलिए सरकार जो है अब वेट कर रही है कि किस ये एग्जिट कहां पे लैंडफॉल होगा और कितनी तबाही मचाएगा, क्योंकि जब ये जमीन को हिट करेगा तब जितने भी रिहायशी इलाके हैं या जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स पे काफी नुकसान, जो कच्छ के जितने भी बंदर हैं वहां पे काफी नुकसान जो है वो होगा। ठीक है ब्रजेश, गोपी कांगर मेरे सहयोगी भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मांडवी से जुड़ रही है। गोपी देखिए, ब्रजेश जानकारी दे रहे हैं कि 6 बजे से 9 बजे रात के बीच में लैंडफॉल हो सकता है। पहले तो ये 4 बजे शाम को बताया जा रहा था, थोड़ा सा टाइमिंग शिफ्ट हुआ है, गति धीमी हुई है तूफान की। शुरू हो गया, जो समुद्र का पानी है वो सीधा यही जेटी के आसपास आ रहा है, तो हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे समुद्र का पानी आ गया। लेवल आप देख सकते हैं 10 फीट का ये लेवल है, अब वहाँ पे ये समुद्र का पानी आ चुका है। जो बड़े नाव यहाँ पे, जो बड़ी शिप है वो भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कैमरा मैन से कहेंगे कि वो दिखाए, ये बड़ी शिप जो है वो पूरी तरीके से हिल रही है। जो 300 टन कार्गो लेके जा सकती है वो शिप, जिसे एंकर किया गया था, वो अब पूरी तरीके से यहाँ पे हिल रही है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है, लगातार यहाँ पे देखिए सबको इवैक्यूएट करवा दिया गया है, सारे इलाकों को खाली करवाया गया है, सारे
कि प्रशासन ने आज यहाँ पे धारा 144 लगा दी है पूरे कच्छ के अंदर। 3 लोगों से ज्यादा यहाँ पे कोई इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन लोग जो है वो अपने घरों के अंदर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कच्चे मकान जितने भी थे उन सब में से लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। मछुआरे जो है उनको भी ये कहा गया है, वो भी अपने घरों को छोड़कर यहाँ से निकल गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हवा का प्रेशर है वो इतना ज्यादा यहाँ पे हवा का प्रेशर बना हुआ है। साथ ही जो इलेक्ट्रिक पोल है, क्योंकि देखिए अब इंतजार है तो लैंडफॉल होने का, साइक्लोन अगर एक बार लैंडफॉल हो जाएगा उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि साइक्लोन कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो लहरें हैं वो काफी तेज हो चुकी है, उसमें भी समुन्दर के अंदर हाई टाइड चल रहा है, जो हाई टाइड की वजह से भी लहरें काफी ज्यादा ऊपर है और करीब 2 से 3 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि साइक्लोन जो है वो यहाँ पे उसी प्रेशर के साथ उसका जो प्रेशर है वो दिखना शुरू हो। देखिए फिलहाल हवा की रफ्तार भी करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है, लेकिन जब साइक्लोन आएगा तब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार होगी, जो बेहद खतरनाक कही जा सकती है। क्योंकि चाहे इलेक्ट्रिक पोल हो या फिर पेड़ हो, ये ऐसी रफ्तार में ऐसी हवा में कहीं ना कहीं उखड़ जाएंगे तो कितना नुकसान होगा वो अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब साइक्लोन यहाँ पे हिट करेगा तो तबाही जरूर मचेगी। अब कितनी तबाही मचती है बस वो साइक्लोन, क्योंकि सरकार का भी एक ही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, जान का नुकसान न हो, तो यही मानकर सरकार भी इवैक्यूएशन करवा रही है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी ब्रिजेश ने बताया कि 90,000 से आसपास लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है, एनडीआरएफ की जो 4 टीमें हैं उसे यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है, कहीं पे भी अगर कोई फंसता है तो उसको तुरंत रेस्क्यू किया जा सके, इस तरीके से पूरी जो सिस्टम है उसे बनाया गया है। साथ ही तीनों दल के जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो लोग हैं उनको भी स्टैंड बाय मोड में रखा गया है कि जरूरत पड़ने पर उनकी भी मदद ली जा सकती है इस तरीके का। लेकिन लगातार जो हवाएं हैं, तेज हवाएं और सुबह से ही जो हवा का प्रेशर है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है और समुद्र का प्रेशर जो है वो भी लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो साइक्लोन का जो असर है वो अब धीरे धीरे यहाँ पे। आपके पीछे जो हम ये बड़ा जहाज देख पा रहे हैं, हवा के प्रेशर से किस कदर हिल रहा है, उसको किस कदर नुकसान पहुंच रहा है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं है। तबाही का सायरन, मांडवी समेत कई तटीय इलाकों में हो रही तेज बारिश और आया उफान सिर्फ 180 किलोमीटर है दूर। दिखाई पड़ेगा विपरजॉय का असर, एयरफोर्स सेना एनडीआरएफ मुस्तैद। भूषण के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट, नाबालिग पहलवान केस में जांच रिपोर्ट दाखिल, पुलिस को नहीं मिले सबूत। पश्चिम बंगाल में महापंचायत चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन, लगातार हिंसा के बाद कई जिलों में सुरक्षा का अलर्ट, बांकुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत।
शक्यता है। मोरबी की अंदर 100 किलोमीटर थी ऊपर नो पवन की स्पीड रहेशे। राजकोट और पोरबंदर अंदर 100 किलोमीटर आसपास की स्पीड रहेशे पवन की। एना पछी पोरबंदर और जूनागढ़ है एनी अंदर अत्यारे जे धारणा है ए मुजब लगभग 60-80 किलोमीटर और कोई जगह 85 किलोमीटर नी पण पवन की गति रहे तेवी शक्यता है। बाकी जिल्लाओ अमदावाद सुरेन्द्रनगर बोटाद अमरेली भावनगर है ए बधे पण सावचेती राखवानी जरूर है कारण के त्यां पण जे पवन की गति है ए लगभग 60 किलोमीटर कोई जगह 70 किलोमीटर प्रति कलाकनी गति रहे तेवी शक्यता देखाई रही है। एना पछी आवती काले जे छे ए बनासकांठा पाटण मेहसाणा ने साबरकांठाना जे विस्तारों छे एनी अंदर पवननी गति छे कदाच 70 कोई जगह 75 अने कदाच कोई जगह 85 किलोमीटर पण रहे एवी शक्यता देखाई रही है। अने आ त्रण जे जिल्लाओ छे बनासकांठा पाटण मेहसाणा चार जिल्लाओ अने साबरकांठा एनी अंदर कदाच भारे वरसाद पण पड़े अमदावाद ने ए बधे में पण आवती काले पण वरसादनी शक्यता छे। गुजरातना मोटा भागना विस्तारों में आजे अने आवती काले आपणे त्यां वरसादनी शक्यता छे। आजे वावाझोडुं लेन्डफॉल थशे एनी अंदर जे पण कंई अपडेट आवशे ए अपडेट अमे तमने सतत बतावता रहीशुं अने जरूर पड़शे कि एमां कोई मोटो फेरफार आव्यो छे तो हूँ पण तमने फरीथी विडियो बनावीने मूकीश। सांजे अमे आजे पण लाइव थवाना छीए સાંજના સમયે 7 વાગ્યે તો તમે જોજો અમને કે વાવાઝોડાની જે લેટેસ્ટ માહિતી હશે ત્રાટકિયા પછી શું થયું કંઈ પણ એ બધી જ માહિતી લઈને સાંજે 7 વાગે અમે આવવાના છીએ અને બીબીસી ગુજરાતીની વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને તમે લાઈવ પેજમાંથી સતત તમે માહિતી મેળવી શકો છો કારણ કે સતત તમે વિડીયો ન જોઈ શકો કારણ કે ઘણા બધા લોકોના ફોન ચાર્જ હશે બેટરી તમારા આજે બચાવવાની હશે લાઇટ આવવાની આજે શક્યતા ખૂબ ઓછી છે એટલે તમે આ અમારી બીબીસી ગુજરાતીની વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને તમે ત્યાંથી અમારું લાઈવ પેજ ઉપર અમે સતત માહિતી મૂકી રહ્યા છીએ એ પણ તમે જોઈ શકો છો। વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ ચોક્કસ તમે મને કહેજો કોમેન્ટની અંદર શેર કરી દેજો અને બીજું કે સાવચેતી રાખજો ગુજરાતમાં ક્યાંય પણ છો તમે એમનેમ બહાર ન નીકળી જતા સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની અંદર છો તો તમારે ખાસ સાવચેતી રાખવાની છે અને વાવાઝોડાની અંદર ક્યાંય બહાર ન નીકળશો ઘરમાં રહેજો પાકા મકાનમાં રહેજો અને मौसम लगातार खराब होता जा रहा है और जिस तरीके से मौसम खराब हो रहा है कहीं ना कहीं साइक्लोन की तरफ लैंडफॉल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको बता दें हाई टाइड है। मीडिया पर्सन को भी अभी बीच के बाहर जाना है वहाँ पर खतरा है। 4 बजे से 8 बजे के बीच में ये तूफान आएगा और उसके पहले की जो गतिविधियाँ हैं आप देख रहे हैं बारिश तेज चल रही है साथ ही साथ हवाओं का रुख एकदम तेज हो चुका है। 150 प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी जिसके चलते अमूमन ज़्यादा तौर पर डैमेज यहाँ मांडवी में जहाँ से हम ग्राउंड से जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर होना है। प्रशासन एक ही तौर पर काम कर रहा है कम से कम डैमेज हो और जीरो कैजुअल्टी हो यह उनका मकसद है। यहाँ मांडवी में एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है जो रिव्यू कर रही है साथ ही साथ प्रशासन लगा हुआ है लेकिन लगातार मौसम खराब हो रहा है और तूफान की तरह। નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી શૂની અંદર। મિત્રો, હાલ વાવાઝોડું ક્યાં પહોંચ્યું, ક્યારે લેન્ડફોલ થશે અને સૌથી મોટી વાત આજે 15 તારીખ છે અને 15 તારીખે બપોરે 2 વાગ્યાની જો અપડેટ જોઈએ તો વાવાઝોડાની જે આંખ છે આંખથી લગભગ આ વાવાઝોડું જોવા